हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक और फ्रेश वीडियो गाइस। तो हुआ ये है गाइस कि ऑल्टो में आ गया है प्रॉब्लम। पता नहीं क्यों गाड़ी स्टार्ट करते ही फर्स्ट गियर लगाते ही सेकंड गियर लगाते ही गाड़ी में बहुत तेज सा वाइब्रेशन ऐसा हिल रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको, शायद ये क्लच मिसिंग की वजह से ये प्रॉब्लम आया। तो ये गाड़ी ये स्टार्ट किया, ये फर्स्ट गियर लगाया और ये देखो, ये थोड़ा सा देख रहे हो वाइब्रेशन टाइप का, ये शायद क्लच मिसिंग की वजह से ही हो रहा होगा। तो चलते हैं हम गाइस, चलते हैं मैकेनिक के पास, पूछते हैं भाई क्या दिक्कत है, प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं इसका। लेट्स गो। देखो ये कैसे वाइब्रेशन, ऐसा वाइब्रेशन होता नहीं था। ये देखिए जैसा वाइब्रेशन देखने को मिल रहा है हम लोगों को, ये शायद क्लच मिसिंग की वजह से हुआ ये प्रॉब्लम। देखो गाइस, देखो कैसे ये गाड़ी पूरा वाइब्रेट कर रही है, बिल्कुल ऐसा फर्स्ट गियर में और सेकंड गियर में दोनों में ये पूरा स्टीयरिंग ऐसा वाइब्रेशन में आ गया, पूरा ऐसा क्लच वगैरह सब वाइब्रेट कर रहा है बिल्कुल। ये ऐसा मैं सेकंड गियर लगाता हूँ और फिर देखता हूँ, फिर भी पूरा वाइब्रेशन आ रहा है इसके अंदर। देखो कैसे, शायद आपको पता नहीं चल रहा होगा इसके अंदर, बट गाड़ी में पूरा का पूरा वाइब्रेशन है। तो चलते हैं फटाक से मैकेनिक के पास। बस दिखाते हैं क्या प्रॉब्लम वगैरह आ रहा है इसके अंदर। तो भाई मैकेनिक को गाड़ी दिखाया तो मैकेनिक ने बोला भैया इसका क्लच प्लेट जल चुका है, क्लच प्लेट चेंज करना पड़ेगा। तो भाई तभी क्लच प्लेट को खोलते हैं, पूरा इंजन का आगे का पूरा सेट निकालना पड़ेगा पूरा, तभी क्लच प्लेट निकलेगा। तो वो खोल कर भी चेक करते हैं क्लच प्लेट हमारा किस कंडीशन में है, उस पर हम डिसाइड करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वेट एंड वॉच। कैसे क्लच इसका निकलेगा, क्या क्लच का कंडीशन है और क्या रिप्लेसमेंट होता है या नहीं होता है। तो गाइस वीडियो में पूरा बिल्कुल बने रहो, लास्ट तक देखना वीडियो। गाइस इंजन का सेट निकल चुका है जिसके अंदर हम लोग को क्लच प्लेट देखने को मिलेगा। तो देखते हैं क्लच का कंडीशन, क्लच किस कंडीशन में निकल रहा है इसके अंदर से। तो सब आई होप कि क्लच बचा हो, अगर जिस सब से गाड़ी का गियर फंस रहा था और वाइब्रेशन आ रहा था, लग नहीं रहा क्लच हमारा बचा होगा। तो चूहा हुआ कुछ कंडीशन इसका निकालेंगे, जैसे ये मैकेनिक को देखते हैं अंदर तो बिल्कुल जल के काला पड़ गया है। गाइस देखो अल्टो के क्लच प्लेट को, इसका चिचड़ी उड़ चुका है, पूरा एक साइड का कॉइल खत्म हो चुका है इस गाड़ी का। अच्छा हुआ मैं टाइम पे इनके पास आ गया, वरना मुझे रास्ते में ही कहीं फंस जाता और मुझे किसी टोइंग मशीन को बुलाना, टोइंग व्हीकल बुला करना पड़ता है। बिल्कुल क्लच का कंडीशन देखो, बिल्कुल अधमरा हो चुका है ये क्लच प्लेट। बच गया भाई, बाल बच गया। गाइस ये नया वाला क्लच प्लेट जो हम इसमें इंस्टॉल कराने वाले हैं, मारुति सुजुकी जेन्युइन पार्ट्स का है ये।
ये आपको करीब पड़ेगा 2400 रुपये का, और स्टोर्स में पता नहीं है, हमने लोकल मार्केट से लिया है, ये जेन्युइन हो तो मार्केट से चलेगा, जेन्युइन पार्ट में ही आपको ये क्लच प्लेट मिलेगा। क्लच को वापस इंस्टॉल करवाते हैं गाड़ी में, देखते हैं कितना टाइम लगता है। डालने वाले हैं जिसका प्राइस 303 है, बट ये आपको मार्केट में मिल जाएगा तो 60 रुपये का, तो ये दो डलेगा गियर को स्मूथ रखने के लिए आपके, तो ये आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, सब ठीक ही ठाक होते हैं। तो इसमें फिर गियर तो भाई गाड़ी बहुत हद तक स्मूथ चल रही है, स्मूथ चल रही है, चलाने में मज़ा आ रहा है, कभी उठा रही है, और वो गियर जो हिल रहा था हमारा फर्स्ट के, वो प्रॉब्लम नहीं बंद हो चुका।